Students, today I am going to start your science subject in standard 8. Your chapter 14 is chemical effects of electric current. तो last video में हमने activity 14.2 तक देखा था, आज देखेंगे activity 14.3. चलो देखते हैं activity 14.3. तो take a tray from inside a discarded matchbox wrap and electric wire a few times around the tray. Place a small compass needle inside it. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery. Leave the other end free. Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. तो वो आपको figure 14.4 में another tester के बारे में बताया. तो क्या है, take a tray. क्या लेनी है, tray लेनी है from inside the discarded matchbox, यानी कि discarded matchbox के inside. Wrap an electric wire a few times around. क्या करनी है, ऐसे wrap करना है electric wire से. क्या करना है, उसे few times उसके around क्या करनी है, tray के around wrap करना है electric wire से. Place a small compass needle. क्या लेनी है, small compass needle को ऐसे रखनी है inside it, उसके inside. ठीक है. Now connect one free end of the wire. Wire का one free end को क्या करना है, ऐसे connect करना है वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड लीव द अदर एंड फ्री. क्या करना है, अदर एंड को ऐसे फ्री रखना है. टेक अनदर पीस ऑफ वायर. क्या लेना है, वायर का अनदर पीस लेना है. एंड कैन नॉट इट टू टेक द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी. वो फिगर 14.4 में बताया है आपको. ठीक है. ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स. टू वायर से क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करना है momentarily and the compass needle should show deflection. जो compass needle है वो क्या करेगा, deflection ऐसा बताएगा. Your tester with two free ends of the wire is क्या हो गए, ready हो गए कि नहीं, वो आपको दिखता है figure 14.4 में. Now repeat activity 14.2. आगे हमने देखी activity 14.2 ऐसी फिर से क्या करनी है, repeat करना है, वो tester use करना है. Do you find a deflection in the compass needle the moment you dip the free ends of the tester in a lemon juice. देखा था ना कि lemon juice में ऐसे deep में रखता है टेस्टर, तो कंपास में जो मोमेंट है वो डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं. तो टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई. क्या करना है, ऐसे वाइप करके क्या करना है, उसको ड्राई करना है. तो टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर. टेस्टर का एंड्स लेना है फ्रॉम द लेमन जूस, लेमन जूस में से. एंड डिप देम इन वाटर, वाटर में ऐसे रखना. एंड देन वाइप देम, उसके बाद क्या करना है, उसको वाइप करके ड्राई करना है. रिपीट द एक्टिविटी विथ अदर लिक्विड्स. क्या करना है, अदर लिक्विड्स के साथ ये एक्टिविटी रिपीट करनी है. सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल है तो वेजिटेबल ऑयल, मिल्क है तो मिल्क, एंड हनी है तो हनी. ये सारे मटेरियल्स के लिक्विड्स के साथ आप क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो. तो रिपीट द एक्टिविटी विथ अदर लिक्विड्स. कौन से लिक्विड्स में आप ऐसे रिपीट कर सकते हो, तो टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी. तो रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड. इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज रिफ्लेक्शन और नॉट. तो ये केस में हमें क्या ऑब्जर्व करना है, कि मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन करती है कि नहीं. तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 14.1. तो ये हम ऐसे करते हैं तो ही हमें पता चलेगा, ये एक्टिविटी लैब में करते हैं तो पता चलता है कि ये डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं. क्या है टेबल 14.4.1 में क्या बताया है, कि गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स. क्या है, गुड एंड पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स के बारे में बताया. तो फर्स्ट में मटेरियल्स है वो बताया है. कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, यस है तो यस, नो है तो नो आपको लिखना है. एंड गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है. तो लेमन जूस में ऐसे कंपास नीडल डालते हो तो क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए वो क्या होगा, गुड कंडक्टर. विनेगर में होगा कि नहीं, तो वो भी क्या आएगा, गुड कंडक्टर. ऐसे सारे मटेरियल्स हमें चेक करना है कि वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर. ये हम लैब में कर सकते हैं सारी एक्टिविटी. तो फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर. आपको पता है कि ऐसे सपोज हनी है, तो हनी है वो गुड कंडक्टर होगा या पुअर कंडक्टर, वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर. आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. तो वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर
बुअर कंडक्टर्स. द वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्ट डू नॉट टच ईच अदर. क्या है कि जो टेस्टर का फ्री एंड्स है वो दूसरे को टच नहीं करें, तो देर इज एन एयर गैप बिटवीन दैम. आपको पता है ऐसे टच नहीं करेंगे तो उन लोगों के बीच में ऐसी गैप रहेगी कि नहीं. पहली नोज द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पहली जानती है कि जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है. ठीक है, तो पहली नोज द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसको पता है कि जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. बट शी हैज टू रीड ही बट सी हैज ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग. क्या है लाइटनिंग है, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द एयर. वो किससे, एयर थ्रू पास होता है. शी वंडर्स इफ एयर इज इन डीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल डायरेक्शंस ऑल कंडीशंस. This makes Bujo ask whether other materials classified as poor conductor also allows of electricity to pass under certain condition. उसके बारे में हमने आगे ही देखा activity 14.2 में. तो actually under certain condition most materials can conduct. That is why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying at conductors and insulators. तो एक्चुअली में क्या है कि जो अंडर सर्टेन कंडीशन है उसके मोस्ट मटीरियल कैन कंडक्ट. क्या है वो कंडक्ट है. दिस इज वाई, क्यों ऐसा है. तो इट इज परफेबल टू क्लासीफाई मटीरियल्स गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज गुड कंडक्टर एंड क्या है इंसुलेटर्स. तो वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. इसके थ्रू ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है. तो वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू, टैप वाटर. ठीक है, आगे देखा ना कौन से लिक्विड्स में हम ऐसे कर सकते हैं. लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर. किसके थ्रू हम ऐसे टेस्ट करेंगे, डिस्टिल वाटर के साथ. उसके बारे में हम एक्टिविटी 14.4 में देखेंगे. तो एक्टिविटी 14.4 में क्या है कि टेक अबाउट 2 टीन स्पूनफुल ऑफ अ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और अ रबर कैप ऑफ अ बॉटल. क्या लेना है, टेक अबाउट 2 टी स्पूनफुल ऑफ डिस्टिल वाटर लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल. बॉटल की ऐसी ड्राई एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप है उसमें रखना है क्लीन एंड ड्राई. ठीक है, तो यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब. आपने ऐसा डिस्टिल वाटर वो ऑब्टेन किया है तो यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब में. तो यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर. आपको पता है कि डिस्टिल वाटर है वो ऐसे मेडिकल स्टोर में डॉक्टर के और नर्स के पास होती है कि नहीं. तो यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और अ नर्स. मेडिकल स्टोर में भी आपको डिस्टिल वाटर मिलता है, डॉक्टर एंड नर्स के पास भी डिस्टिल वाटर होता है. The use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not. Tester का use करके हमें वो classify करना है कि उसमें electricity conduct होती है कि नहीं. तो what do you find? क्या find किया आपने? तो does distilled water conduct electricity? ये सारी activity हम science lab में ही कर सकते हैं तो ही हमें समझ में आएगा कि ये electricity conduct करता है कि नहीं. तो does डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल वाटर. अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम. तो व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर, जब सॉल्ट वो डिस्टिल वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है. तो क्या है कि व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन. दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स हैंड पंप्स वेल्स एंड पॉन्ड्स इन नॉट प्योर. तो क्या है कि द वाटर वी गेट फ्रॉम सोर्सेज में ऐसे हम करते हैं तो कौन से सोर्सेस होते हैं, टैप्स हैंड पंप्स वेल्स एंड पॉन्ड्स इट नॉट, वो सारे प्योर नहीं है. इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. जो स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल सॉल्ट्स है वो किस में है, नेचुरली उसमें प्रेजेंट है. तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. दिस वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है. ऑन द अदर हैंड जो डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ द सॉल्ट, वो सॉल्ट से क्या है, फ्री है. एंड इज अ वो कैसा है, पुअर कंडक्टर, क्योंकि वो ऐसे सॉल्ट से क्या है, फ्री है. ठीक है, बट जो हमें ये वाटर का पहले बात की तो वो क्या है, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं कि नहीं. तो दिस वाटर इज अ
good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salt. जो distilled water है salt से free है, तो वो उसका क्या है, electricity का poor conductor है. तो next है कि small amounts of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health. वो क्या है, human health के लिए क्या है, benefit है. बेनिफिट है. तो हाउएवर देयर सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर सो वी शुड नेवर हैंडल. क्या है कि सो वी शुड नेवर हैंडल वी व्हाट आर द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व. क्या है तो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें बताया है हमें कि सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल एपिलियंस विद वेट हैंड्स. क्या है ऐसे हमें इलेक्ट्रिक, आपको पता है कोई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल से उसमें हमें वेट हैंड से कभी टच करना नहीं है. तो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल एपिलियंस विद वेट हैंड से कभी ऐसे हैंडल को लेना नहीं है. और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर, तो वेट फ्लोर पर ऐसे स्टैंडिंग रहना नहीं है. तो वी हैव फाउंड द कॉमन सॉल्ट. क्या है कि वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इज अ गुड कंडक्टर, मेक इट अ गुड कंडक्टर. व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग. तो उसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे. तो एक्टिविटी 14.5 में उसके बारे में बताया है. तो एक्टिविटी 14.5 में क्या है, टेक थ्री क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल. क्लीन प्लास्टिक है तो वो भी लेना है. कितने, थ्री क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ ए बॉटल प्योर अबाउट टू टीन स्पून फुल और डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और अ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसमें क्या करना है, लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं. और लेमन जूस नहीं है तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप डाल सकते हो. टू डिस्टिल वाटर इन वन कैप. ठीक है. नाउ इन अ सेकंड कैप, सेकंड कैप में क्या डालना है. नाउ इन अ सेकंड कैप कंटेनिंग, क्या है वो सेकंड कैप डिस्टिल वाटर कंटेनिंग करेगा. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ बेस सच एज कोस्टिक सोडा बेस, यानी कि कोस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडीन है तो पोटेशियम आयोडीन के भी ड्रॉप आप डाल सकते हो उसमें. फ्यू एड ड्रॉप्स कर सकते हो कि नहीं, फ्यू ड्रॉप्स को हमें ऐड करना है. तो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ बेस सच एज, बेस में क्या है, कोस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड. ऐड अ लिटल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजोल्व इट. क्या करना है, थर्ड कैप में ऐसा डिस्टिल वाटर में लिटल शुगर को ऐड करना है और उसमें क्या करना है, डिजोल्व करना है. टेस्ट विच सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट. व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन, मतलब टेस्ट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा. तो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो मोस्ट लिक्विड्स क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसके सॉल्यूशन क्या है, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, जब ऐसा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसके थ्रू, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डस इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन अ द सॉल्यूशन. तो उसके बारे में हम 14.2 में देखेंगे उसकी इफेक्ट के बारे में, कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वो जो चैप्टर का नेम था कि इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट्स के बारे में हम एक्टिविटी 14.6 में देखेंगे.